हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ भेजराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पनीर 65 कैसे बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए गाइज वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। सो गाइज, जो पनीर 65 है वो एक्चुअली क्या होता है कि जो ओरिजिनल बनता है वो बिल्कुल ड्राई बनता है। लेकिन आजकल जो लोग क्या करते हैं कि जो अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से उनको अपने तरीके से बनाते हैं, और जो तरीका हम बनाते हैं, जिस तरीके से हम बनाते हैं, ये चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पहले सब्जियों की कटिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे शिमला मिर्च ले रखा हूँ, जिसको मैं डाइस कटिंग कर रहा हूँ, और प्याज को भी मैं इसी तरीके से काटने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 हरी मिर्च ली हैं, इनको मैं बीच में से 2 फाड़ी कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 पीस साबुत लाल मिर्च ले रखा है, इसको भी मैं एक ही जगह इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कड़ी पत्ते हैं, इनको हमने थोड़ा सा ले रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं लहसुन और अदरक को भी हमने बारीक चप करके रखा हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 टिक्की पनीर के लिए हैं, ये 180 ग्राम के हैं। सो मैं इनका जो है 1.5 टिक्की यूज करने वाला हूँ, तो एक पीस में यहाँ से हटा देता हूँ। और इनको मैं इस तरीके से क्यूब्स में काटूँगा, लगभग ये 20-22 ग्राम के क्यूब्स होंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से हमने पनीर को भी काट लिए हैं और वेजिटेबल को भी काट लिए हैं। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, मैं थोड़ा सा धनिया को इस तरीके से लंबाई में काट के रखूँगा, और साथ में जो धनिया है थोड़ा सा उसको मैं बिल्कुल बारीक काटूँगा, और साथ में मैं कड़ी पत्ता ले रहा हूँ, इसको भी मैं हल्का बारीक काट रहा हूँ, देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बैटर बनाने जा रहा हूँ पनीर के लिए, क्योंकि हम पनीर को फ्राई करेंगे, और फ्राई करने से पहले हम थोड़ा सा बैटर में डूबो के फ्राई करेंगे। आप इसको 2 तरीके से फ्राई कर सकते हो। अगर आप चाहे कि ये ज़्यादा करंची हो तो आप हल्का सा डायरेक्ट इसमें नमक वगैरह डाल के कॉर्नफ्लोर ऊपर से छिड़क के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैटर में फ्राई करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, बैटर बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हूँ, और 1 चम्मच मैदा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच दही, थोड़ा सा बारीक काटा हुआ धनिया, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। सो गाइस, इतना कुछ डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगा। और मैं जो मैंने पनीर काट के रखे थे ये भी इसी में डालूंगा, फिर इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगा, देख सकते हैं। इसको ज़्यादा कोटिंग, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं करना है। अगर ज़्यादा आपने इसमें मैदा वगैरह डाल लिया तो ये पकौड़े टाइप के हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसलिए इस तरीके से लाइट कोटिंग करनी है। सो गाइस, इस तरीके से हमने पनीर को भी मैरिनेशन कर लिए हैं, और अब हम इसको फ्राई करने वाले हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा तेल है ऑलरेडी गर्म है, मीडियम टू हाई फ्लेम में है। अगर आप इसको लो फ्लेम में करते हैं तो जो भी हमने मसाला इसमें लगा रखा है एकदम से बाहर निकलेगा, तो इसलिए आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जो ऑयल होगा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, ताकि एकदम से वो पकड़ बना ले, उसके बाद आप स्लो कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको फ्राई करते हैं। आप जैसे इसको तेल में हाई फ्लेम डालते हैं, इसको आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 1 मिनट बहुत है, क्योंकि पनीर वैसे भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गए तो आप इसको निकालें। सो ये देख सकते हैं इस तरीके से जो पनीर था बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और बिल्कुल अच्छी तरीके से करंजी हो चुके हैं। सो गाइस, इस तरीके से हमारा सारा तैयारी हो चुका है, तो चलिए जल्दी से अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए फिर दोबारा गैस करते हैं ऑन, फिर इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पर देख सकते हैं हम सबसे पहले डालेंगे इसमें सरसों, ठीक है। तो सरसों आपको ज़रूर डालना है, थोड़ा सा हम डालेंगे सरसों, पहले इसलिए डालें ताकि ये थोड़ा सा तेल में भून जाए। हल्का सा सरसों डाल दिया हमने, और यहाँ पर देख सकते हैं अदरक और लहसुन, अदरक लहसुन आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं लाल मिर्ची, लाल मिर्ची को थोड़ा सा पहले डालें, और साथ में ये सब यहाँ पर डाल दें।
ये सारा डालने के बाद आपको इसको हल्का सा फ्राई करना है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली सॉस, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर, थोड़ा सा टोमेटो केचप और फिर हम डालेंगे इसमें शिजवान सॉस, देख सकते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता पहले डालना था एक्चुअली जब हम प्याज भून रहे थे उस टाइम, कोई बात नहीं हमने अभी डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा जीनो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हमारा सदाबहार मसाला राइस, फ्राइड राइस मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, हल्का सा कॉर्नफ्लोर डालना है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है। साथ में हमने जो धनिया के छोटे मोटे मोटे में काटे थे लंबे लंबे में, इस तरीके से हमने धनिया को भी डाल दिए हैं। तो क्या ये सारा डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम डालेंगे इसमें पनीर और गैस को करेंगे तेज़ और इसको फटाफट यानी कि 10 सेकंड से पहले इसको फटाफट मिलाना है। तो गाइस गैस को कर देते हैं बंद, तो एक प्लेट में कर देते हैं इसको सर्व। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं फाइनली हमारा पनीर 65 बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। कैसे बनाते हैं और इसको बहुत सारे रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो ओरिजिनल रेसिपी होता है जो बिल्कुल ड्राई होता है, लेकिन आजकल लोग अपने तरीके से अपने हिसाब से इसको बनाते हैं और इसके बहुत सारे रेसिपी मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते एक प्यार सा कमेंट्स होते चाहिए। सो गाइस इस वीडियो करता हूँ ये खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।